हेलो दोस्तों, जय हिंद। साइनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को आज इलेक्ट्रिशियन टूल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला टूल है पेचकस। नाम क्या है? पेचकस। स्क्रू ड्राइवर से बस ड्राइवर, बस चलाने वाला का नाम है स्क्रू ड्राइवर, मतलब स्क्रू घुमाने वाला। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू को घुमाने वाला। दोस्तों, ये होता है इसका, बोलते हैं संग। क्या बोलते हैं? संग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ संग बोलते हैं। इसको बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। इसको बोलते हैं हैंडल। ठीक है, ये जो लगा इसमें है प्लास्टिक का, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड। क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड। क्यों दोस्तों? पता है आपको, अब बिजली काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन में तो बिना लगे इसके आपको ध्यान देना है। बिना इंसुलेट पेचकस को लगे, बिना इसमें प्लास्टिक आपने काम नहीं करना दोस्तों। क्यों? आपको इसमें करंट आता है, आपको करंट मार देगा। लंबी जिंदगी है, लाइफ जीना आपको है। ध्यान देना, जब भी आप काम करते हैं बिजली का, तो उसमें पक्का आप ध्यान देना है कि हमारे जो संग पर प्लास्टिक की जो ये टेप लगी है, उसको है कि नहीं है, मतलब इंसुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेट टेप। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको प्लास्टिक चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये दो बार मिलता है। इस साइज होती है 25 सेंटीमीटर, एक होता है साइज 10 सेंटीमीटर। दोस्तों, क्या होती है? 10 सेंटीमीटर। ऐसा काम क्या है? ऐसा काम है कि पेचकस को कसने और खोलने काम आता है। दोस्तों, क्या काम उसका है? पेचकस को खोलना कसना से काम में आता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, इसका नाम क्या है? का नाम है टेस्टिंग लैंप। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग लैंप। इसका प्रयोग विद्युत सप्लाई में लाइन के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ के तारों को चेक करते हैं, इसमें लाइन करंट आ रहा या नहीं आ रहा है, मतलब पहचानने के लिए बोलते हैं टेस्टिंग लाइन। अब चलते हैं पोकर। देख रहे हैं क्या नाम है? पोकर। पोकर को प्रायः सुम्बी या ब्राडल के भी नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी के फिटिंग में खांचे बनाने के लिए किया जाता है। क्यों खांचे? कि उस खांचे हम लाग पेचकस हम लोग कस सकें, समझ गए? अब चलते हैं प्लायर। क्या बोलते हैं इसको? कम्बिनेशन प्लायर। क्या नाम है इसका? कम्बिनेशन प्लायर। इसका जो है उपयोग तारों को मोड़ने, काटने, इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई होती है 15 to 20 सेंटीमीटर, मतलब नाम ही कम्युनिकेशन है, सब काम करता है, मोड़ता भी है, काटता भी है, तार ऊपर से जो प्लास्टिक छिलता भी है, समझ गए? अब चलते हैं नोज प्लायर। क्या इसका नाम है दोस्तों? देख रहे हैं नोज प्लायर, देख रहे हैं ये दो, क्या था? नोज प्लायर। क्या इसका नाम है? नोज प्लायर। अब जो मेरे हाथ में है ये है कौन सा? फ्लेट। कौन सा है? फ्लैट नोज। इसका जो उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वायरिंग में मरम्मत, पुर्जों को, लीड्स को पकड़ने काम किया जाता है। उसकी साइज होती है 15 सेंटीमीटर। यह है फ्लैट नोज। और यह है जो है राउंड नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर। दोस्तों, ये जो राउंड होता है ये तारों को बैंड करने काम आता है, मोड़ने काम आता है, समझ गए? और चलते हैं इलेक्ट्रिशियन चाकू। देख रहे हैं ना क्या है? चाकू, इलेक्ट्रिशियन चाकू। काम क्या इसका है? इसमें एक ब्लेड की सहायता से वैद्युत वायरिंग में तारों को इंसुलेशन को छिड़ा जाता है। दूसरे तार से क्या करते हैं हमको? इनमेल तार को इनमेल साफ करने के लिए होता है। और सिरे को हम क्या करते हैं? सिरे को साफ करने के लिए। देख रहे हैं, देखिए देखिए, ये सब काम होता है, छिलना भी है, साफ भी करना है। दोस्तों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन चाकू। अब आते हैं हैम्बर। देख रहे हैं ना कौन सा है? ये बाल पिन हैम्बर है। देखिए है ना, बाल पिन हैंडल हो गया, ठीक है ना, ये फेस हो गया, है ना, ये स्टिक हो गया, समझ गए? इसका काम क्या होता है? इसका उपयोग जो है कील को ठोकने, गिट्टी रावल प्लग ठोकने, ट्विजर के साथ दीवार आदि में छेद करने के लिए काम में करते हैं। दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए क्या है? क्रॉस पिन हैम्बर। देखिए क्रॉस है, देखिए ये हैम्बर है, ये इसका हैंडल है, ये क्रॉस है। क्या हो गया? क्रॉस पिन हैम्बर। अगर ऐसे होता है तो होता है स्ट्रेट पिन हैम्बर, मतलब बाल पिन हैम्बर। देखिए बाल तरह है, ये क्रॉस पिन, क्रॉस हैंडल की। अगर ये होता है सीधा तो होता है स्ट्रेट पिन हैम्बर। ठीक दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। चीजल देख रहे हैं ना, क्या है चीजल, अच्छे नहीं बोलते हैं इसको हम, इसको विद्युत में चीजल की व्यवस्था होती है फार्मर चीजल, इसको बोलते हैं कोल्ड चीजल। दोस्तों ये लकड़ी के माइका बीट से आदि को फिटिंग की आवश्यक आकार देने के लिए, मतलब आप कहीं सुराख कर रहे हैं दीवार में तो उसको मतलब सुराख को मतलब जो आपको आकार मांग रहा है उसको होल को बड़ा करने के लिए या छोटा करने के काम आता है। नाम का हैंड ड्रिल मशीन, क्या इसका नाम है हैंड ड्रिल मशीन विट्स। इसका उपयोग लकड़ी सनमाइका प्लास्टिक एल्यूमिनियम नरम लोहे की चादरों पूजों आदि को छेद के लिए काम आता है। मतलब क्या बोल रहा है, लकड़ी हो गया सनमाइका हो गया प्लास्टिक हो गया ब्रास एल्यूमिनियम और नरम लोहे की चादर होती है पतली, उसके पूजों में हम लोग इसके घुमा के छिद्र करते हैं। अब दोस्तों कहा गया कैंची, यह 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग सूती कपड़ा धागा अम्पायर क्लोथ कागज विद्रोधी चादर आदि को काटने में किया जाता है। स्टील स्केल, यह क्रमशः 15 30 या 50 सेंटीमीटर आदि की लंबाई में होती है। इसका उपयोग तारों औजारों जाब्स बोल्ट्स आदि को लंबाई नापने के काम में आता है। दोस्तों देखिए नाम किसका, वायर स्ट्राइपर, क्या बोलते हैं वायर स्ट्राइपर। यह भिन्न भिन्न दोस्तों प्रकार के वैद्युत वायरिंग तारों को इंसुलेशन छीनने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई क्या होती है 20 सेंटीमीटर, मतलब विभिन्न प्रकार के तार होते हैं उसको छीनने के, देखिए इसमें साइज बना देखिए लिखा है, देखिए लिखा ना, देखिए देखिए लिखा है, देखिए 6 4 देखिए लिखा है इसमें, देखिए इसमें दिया है, देखिए ना पॉइंट दिया गया है। तो मतलब विभिन्न प्रकार साइजों के तारों को छिलने काम आता है, क्या नाम का वायर स्ट्रैपर। ये पाइप रिंच, क्या है पाइप रिंच, विद्युत कार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर जबड़ा प्रास वाला पाइप रिंच प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सॉकेट आदि कसने के खोलने के लिए किया जाता है। तो क्या नाम है नाम पाइप कटर, पाइप कटर की लंबाई प्रातः 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इसके द्वारा जीआई और कंडक्ट पाइप को काटा जाता है। ये देखिए इसको बोलते हैं क्लो हेम्बर, क्या बोलते हैं क्लो हेम्बर। ये काम क्या होता है किल को निखारना, मतलब किल मार रहे हैं किल मुड़ गया या टूट गया उसको निकालने का आता है, क्या बोलते हैं उसको क्लो हेम्बर बोलते हैं क्लो हेम्बर। दोस्तों अब चलते दिखाते हैं आपको हैं क्या बोलते हैं उसको रैचेट ब्रश। इसका विद्युत कार इसका जो उपयोग के बड़े ब्याज के छिद्र बनाने के, मतलब इसे आप कोई काम कर रहे हैं कोई बोर्ड बना रहे हैं तो बड़ा ब्याज का जो सुराख है उसको बनाने में काम आता है। इसको ऐसे कहते हैं रैचेट, मतलब घूमता है रैचेट में घूमना। दोस्तों दिखाते हैं आपको हम जिमलेट, देख रहे हैं ना जिमलेट, क्या नाम इसका जिमलेट। लकड़ी की बड़ी वस्तुओं जैसे दरवाजों चौकट आदि फ्रेम में 3 mm से अधिक व्यास गहरा छेद करने के लिए औजार उपयोग किया जाता है। मतलब 3 6 10 मिमी व्यास वाला जिमलेट उपयोग में आता है, मतलब जो बाजार में मिलता है 3 6 10 mm का जो जिमलेट मिलता है, ये मतलब बोलते हैं ना कि 3 mm से ज़्यादा अधिक, मतलब कहीं आप दरवाजे में कहीं भी सुराख कर रहे हैं बोर्ड में कर रहे हैं तो 3 mm ज़्यादा सुराख करना है तो हम क्या करते हैं कब करेंगे जिमलेट का। तो दोस्तों क्या करेंगे कब करेंगे जिमलेट का उपयोग करेंगे। अब दिखाते हैं आपको हैं नाम क्या है पुली पुलर। वैद्युतिक मशीनों जैसे मोटर जनित्र आदि में शाफ्ट पर कसी पुली को उतार मतलब निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब शाफ्ट में कोई पुली लगी दोस्तों है उसको बाहर निकालने के लिए इसका हम लोग पुली पुलर का उपयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों देखिए इसका नाम क्या है डिजिटल मल्टीमीटर। वोल्टेज और कंटिन्यूटी चेक करने के होता है डिजिटल होता है, क्या बोलते हैं इसको डिजिटल मल्टीमीटर, जो वोल्टेज चेक करने के लिए और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं मैलेट। इसका उपयोग लोहे तांबे पीतल एल्युमिनियम आदि धातुओं को बनी पतली चादरों को सीधा करने के लिए, किसके लिए
मतलब जो धातु तांबा की है, लोहे की है, पीतल की है, पतली है, तो उसको हम लोग ठोक के सीधा करते हैं। नाम बोलते हैं उसको मैलेट। क्या बोलते हैं उसको? लकड़ी होता है। फेस है ना, ये स्टॉक है, ये वुडन हैंडल है, देख रहे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, देख रहे हैं ना, का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ये वैतुक वायरिंग लकड़ी या धातुक वस्तुओं को तीव्रता से छेद करने के लिए, मतलब लकड़ी धातुक में मतलब तेज तीव्रता से छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 8 mm बिट की क्षमता वाली ड्रिल मशीन मतलब उसको समझ आती है उपयोग में। कितना? 8 mm बिट लगती है इसमें। कितनी लगती है? 8 mm बिट, ठीक है। इसका नाम है सोल्डिंग आयरन। क्या नाम है? सोल्डिंग आयरन। काम कौन सा होता है? इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल के तारों को जोड़ों पर टाका लगाने काम किया जाता है। इसका आता है, काम आता है, मतलब क्या आता है इसका? इनका उपयोग लोहे के, तांबे और पीतल के तारों के जोड़ों पर हम जो टाका लगाते हैं तो काम में आता है। क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन। दोस्तों इसका नाम है ब्लो लैम्प। इसका उपयोग केबल के ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर की पिघलाने के लिए किया जाता है। क्या नाम है? ब्लो लैम्प। इसका उपयोग केबल ज्वाइंटिंग पर जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डरिंग को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को तकरीबन बता दिया हूँ, इतना हमारे पास एफिशिएंट टूल थे दोस्तों। अब हमारे पास कुछ बच्चे टूल खाता आपको मैं, देखिए तो उसका नाम क्या है? साइड कटिंग प्लायर, देख रहे हैं ना, क्या साइड कटिंग प्लायर, देख रहे हैं। इसका जो प्रयोग तांबे एल्यूमिनियम पतली तारों को काटने तथा ऊपर से इंसुलेशन छिलने काम आता है। जिसका काम होता है जो तांबा का एल्यूमिनियम का तार है उसको काटने के लिए जो ऊपर लगते हैं उसे प्लास्टिक इंसुलेशन को छिलने काम आता है। क्या बोलते हैं? साइड कटिंग प्लायर। देखिए एक क्या है, एक कटिंग प्लायर है। क्या है? कटिंग प्लायर बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं? कटिंग प्लायर, ठीक है। इसका नाम है लग, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लग, देख रहे हैं लग। क्या है इसको? मतलब हम इस जो तारों को जोड़ के लास्ट में लग लगाते हैं कि हमारा तार स्पार्क ना हो। क्या हो? तार हमारा स्पार्क ना करें, इसको लग बोलते हैं, लग। दोस्तों जो आज का हमारा जो चैप्टर था हैंड टूल बता दिया हूँ मोटा मोटा आपको। अब इसको हम आप लोग को पेट के बताएंगे धीरे धीरे। जो टूल था, टूल का नाम काम बता दिया हूँ, अब इसका पेट कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों। तो इसके पेट के बारे में आपको हमारे जो हैं सर बताएंगे। और इसके बाद जो आपको समस्या होती है इस टूल के बारे में, कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं, कमेंट करेंगे, और जो टूल बचा है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।